हे गाइस, दिस इज राजेश कुमार एंड यू वाचिंग मी एक कलमी टेक। दोस्तों, बहुत दिन पहले मैं डॉक्टर सी वी रमन में PGDCA का फीस मैं आप लोगों को बताया था इस यूट्यूब चैनल में। उस वीडियो में जो बनाया था उसमें साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उसमें जो मैं वीडियो बनाया था उसमें बहुत ही कम आवाज़ आ रहा था और उसमें बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ही ज़्यादा था। इसके चक्कर में बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया, इसके उस वीडियो के नीचे कमेंट करने लगे कि आपका आवाज़ सही नहीं आ रहा है, आप सही नहीं बता रहे हो। इसके चक्कर में मैं इस YouTube चैनल में फिर से वीडियो डाल रहा हूं कि डॉक्टर सी वी रमन में PGDCA का फीस कितना है। अगर आपको नहीं पता PGDCA का फुल फॉर्म क्या है, तो PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, DCA यानी PGDCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इसका फुल फॉर्म है और ये ग्रेजुएशन के बाद होता है। जैसे आपको पता चल गया PG यानी कि आपको ग्रेजुएशन के बाद ही ये आपको करना होता है और ये एक साल का होता है। जी हाँ, एक साल का होता है और इस कोर्स का बहुत सारे आप नौकरी में इसको डाल सकते हो, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब अगर इस कोर्स को आपने किया है तो आप बहुत सारे वैकेंसीज़ को डाल सकते हो जो कंप्यूटर रिलेटेड जो निकलती हैं, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पटवारी, बहुत सारे सहायक ग्रेड, ये सब जो वैकेंसी आती हैं उनको आप डाल सकते हो। और अगर मैं बात करूँ फीस की डॉक्टर सी वी रमन में, तो डॉक्टर सी वी रमन में इसकी फ़ीस जो पड़ती है लगभग आपको 12,000 रुपये स्टार्टिंग आपका हो जाता है, 12 से 15,000। मैं अगर उस वीडियो में बताया था तो उस वीडियो में आप लोगों को बताया था 12,000 रुपया लगती है, यानी कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से करते हैं आपको 12,000 रुपया लगेगा। अगर आप सेंटर्स या कहीं जो फ्रेंचाइजी है वो सब चीज़ें में आप करते हो तो वो ज़्यादा अमाउंट बढ़ जाता है 12,000 से, क्योंकि वो अपना सेंटर का चार्ज भी आपसे काटेंगे। तो देख लीजिए आपके नियरेस्ट में कौन सा सेंटर है और कितना फीस ले रहा है, तो उसके अनुसार आप कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज से करेंगे तो आपको कम पड़ेगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। और हाँ, फीस की बात करें तो 12,000 स्टार्टिंग इसका फीस रहता है, उसके बाद ये ऊपर ऊपर जाता रहता है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।